हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करिए, बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले? इमरान खान ट्रिब्यूट। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की, तो ले आए आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। आपके बंदा है लाइक कमेंट और चलिए देखते हैं। इमरान खान का ट्रिब्यूट है और लोग बोल रहे थे ये बेस्ट ट्रिब्यूट है एवर्ड है, तो हमने कहा क्यों नहीं देखते हैं ये कैसा ट्रिब्यूट है इमरान खान को। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी कर दो। और इमरान उनको आप कितना सपोर्ट करें कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो लाइक करें। Here we go. ओ ये स्पीच यार बेस्ट है ना, कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूँ जिसका नाम इमरान खान है। इमरान खान उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। यहाँ आज आपके चेहरों पर खुशी है, अल्लाह आपको खुश रखे। आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत खत्म हो। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान फिर आएगा, इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, आवाम की ताकत से आएगा, तिहाई से आएगा। आपके हंसने से मेरे हौसले कम नहीं होंगे। मेरे पीछे भी करोड़ों लोग खड़े, मेरे लीडर के पीछे भी करोड़ों लोग खड़े, और हम दुश्मन नहीं है, हमने मिलकर पाकिस्तान को बनाना है। लेकिन नहीं पाकिस्तान होते हुए सपने नबूवत की बात की, इस्लामी हुकूमत की बात की, मदीना की रियासत की बात की। इमरान खान का गुनाह ही है उसने सम्राट के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। ओ वाओ यार, ये आपने हिम्मत बस क्यों वहां मंजूर कर लिया? इमरान खान की हुकूमत ना करी तो पाकिस्तान Things will get tough for Pakistan. और ये भी कहते हैं कि हाँ अगर इमरान खान की हुकूमत गिर गई और अदम एतमाद जो आपने अभी कामयाब की है कामयाब हो गई तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। मेरे चेयरमैन साहब अल्लाह के नामे नामों के नीचे बैठ के हम माह रमजान में अल्लाह से माफी के खासगार हैं, अमरीका से माफी के खासगार नहीं। लेकिन फिर भी आप जीते हैं आज, हम ग्रेस से बर्दाश्त करेंगे। चलते हैं दबे पांव के कुछ जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, दोबारा सुनाओ। चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात में पूछा उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन साहब, मेरी दुआ है मेरा मुल्क मेरा पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे। मेरी दुआ है कि मेरे को पाकिस्तान को मजबूत करते रहे। लेकिन इंशाल्लाह मेरा अल्लाह कहता है वकुल जाल हक रज़ाक अल बातिल इन अल बातिल का नसहूका। कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। जल्द इमरान खान साहब इंशाल्लाह आवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा, दो ढाई अक्सरियत से होगा, और इंशाल्लाह इमरान खान को पाकिस्तान तरीक इंसाफ को और मेरे करोड़ों पाकिस्तान तरीक इंसाफ के वर्कर्स और वोटर्स और सपोर्टर्स को आज की ये डिफेंस आपका ही खड़ा होना और आपका आज की रेजिस्टेंस मुबारक हो। आज भी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो सम्राट के सामने खड़े हैं, जो अमरीका के सामने खड़े हैं, जो यहूदों खुदूस के सामने खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान को जिंदाबाद। अली मोहम्मद जिसने तकरीर की अकेले होके, ये मुझे अली मोहम्मद तुम्हारे पे फखर हुआ क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी टीम में दिलेर लोग अकेला खड़े होकर इन चोरों का मुकाबला करे। My belief is la ilaha illallah, there is no god but one and we will fight. क्या हम कोई गुलाम है जो आप कहेंगे हम कर ले? Absolutely not. ये ले ले।
मजा आ गया. वन ऑफ द बेस्ट. हाँ बहुत ही अच्छा था. और वो अली मोहम्मद ने ना बहुत ही मतलब कि नॉन स्टॉप बॉला है. और मतलब कि यार बहुत ही अच्छा बोला था. और इमरान खान को सही में बैकअप किया था उन्होंने. और मजा आ गया. टिकटॉक का काफी जबरदस्त टिकटॉक थी. तो इनको सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में था. आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी टिकटॉक, लाजमी बताना. और भी कोई ऐसी वीडियो वो भी कमेंट करके बताना, हम जरूर देंगे. तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा.